अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाशमी फोटोज़। आज हम आपके लिए जो प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आए हैं वो है ऑटोमॉस का निंजा फ्लेम 4K HD डिस्प्ले। तो निंजा फ्लेम बेसिकली फिल्म मेकर्स, ब्रॉडकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लोगों के लिए मौजूद है जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं। निंजा फ्लेम आपके कैमरे में ऊपर जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है और थ्रू आप निंजा फ्लेम अपने DSLR कैमरा से निंजा फ्लेम के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी वीडियोस। तो अब हम इसे अनबॉक्स करेंगे और देखते हैं कि इसके साथ कौन कौन सी एसेसरीज मौजूद हैं। तो अब हम अपने निंजा फ्लेम को अनबॉक्स कर रहे हैं। आप इसका बॉक्स देख सकते हैं कितना सेफली इसका बॉक्स है, और निंजा बॉक्स को अब हम ओपन करेंगे। आप अंदर से देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है वो ऑटोमॉस का निंजा फ्लेम मौजूद है, और यहाँ पे जो सेफली पैक हुआ है उसमें आपकी एसेसरीज मौजूद हैं। एसेसरीज़ में सबसे पहले आपके पास यूज़र गाइड मौजूद है जिसके अंदर तमाम इसकी डिस्क्रिप्शंस, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से और दूसरे दीगर फंक्शंस मौजूद हैं जिसे आप बआसानी समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ निंजा फ्लेम के पावर सप्लाई मौजूद है जिससे आप इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा और भी दीगर एसेसरीज़ इसके साथ मौजूद हैं जिसे आप परचेज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से hashmiphotos.com। तो निंजा फ्लेम हमारी वेबसाइट hashmiphotos.com पर ईज़िली अवेलेबल है कंप्लीट किट के साथ अप्रॉक्स 1,58,000। तो ऑटोमॉस का निंजा फ्लेम आपके सामने मौजूद है, हम इसको अनबॉक्स कर चुके हैं। अभी हमने फ़िलहाल आपके डिस्प्ले के लिए इसे ट्राईपॉड में फिट किया है, पर हम आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे कि ये किस तरीके से आपके DSLR कैमरा में फ़िट होता है और आपको 4K रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है ऑटोमॉस का निंजा फ्लेम। तो मज़ीद हम इसकी स्पेसिफ़िकेशन के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या और फंक्शंस मौजूद हैं, कितनी बैटरीज लग सकती हैं इसमें। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक पावर बटन दिया गया है, जब आप इसे वन टाइम प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑन हो जाएगा, और ऑफ़ करने के लिए आपने इसे तकरीबन 4 सेकंड तक दबा के रखना होता है तो ये ऑफ़ हो जाता है। इसी के साथ जब आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडफोन के लिए आपके यहाँ पे 3.5 mm का जैक मौजूद है जहाँ पे आप हेडफोन से इसकी जो है वो जो भी आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं वो सुन सकते हैं। इसी के साथ साथ माइक लाइन भी मौजूद है जो आपके कैमरा से कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ देखें HDMI इनपुट और HDMI आउटपुट के लिए यहाँ पर इसकी स्लॉट्स मौजूद हैं। मज़ीद ये आपको कंटीन्यूअस बैटरी पावर प्रोवाइड करता है, यहाँ पे दो आप बैटरी इनपुट कर सकते हैं और दोनों के लिए अलग अलग बटन मौजूद हैं जब आपने इसे निकालना हो तो। आपको ये बहुत ही बेहतर जो है वो बैकअप प्रोवाइड करता है बैटरी के हवाले से। इसकी स्टोरेज के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक कवर मौजूद है जिसमें SSD और HDD ड्राइव आप लगा सकते हैं। जब आप इसको अपने कैमरा से कनेक्ट करते हैं तो आपको अपने कैमरा में SSD कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप जो इसमें ड्राइव लगाएंगे वही इसमें जो है वो रिकॉर्डिंग करती है और आपको 4K HD डिस्प्ले देता है निंजा फ्लेम। अच्छा जी, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि हमारा निंजा फ्लेम किस तरीके से आपके कैमरे के साथ वर्क करता है। हमारे पास HDMI कॉर्ड मौजूद है जिसको हम अपने HDMI इन स्लॉट में पुट करेंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास कॉर्ड है और हम इसको इन में पुट कर रहे हैं, और हमारे पास कैनन का कैमरा है और यहाँ पे हम इसकी HDMI इन कर रहे हैं। हमने अपना निंजा फ्लेम और इस कैमरे को कनेक्ट कर दिया है और अभी मैं कैमरे की पावर ऑन करूँगा। कैमरे की पावर ऑन करने के बाद आपको निंजा फ्लेम का पावर वन टाइम आपको बटन प्रेस करना है तो ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैमरे से डिस्प्ले गायब हो चुका है और हमारे निंजा फ्लेम पे कैमरे का डिस्प्ले जो है मौजूद है। हम फ़ोटो कैप्चर करते हैं और जैसे ही हमने फ़ोटो कैप्चर की तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे निंजा फ्लेम के कैमरे का जो है वो पूरा का पूरा डिस्प्ले मौजूद है।
इसके साथ इसमें बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। आप वेव फॉर्म के ज़रिए इनके कलर्स को जो है वो ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस मौजूद हैं जो आपके पास मैनुअल में और इनकी वेबसाइट पे भी दिए गए हैं। ऑडियो भी आप सेट कर सकते हैं इससे, आवाज़ अपने हिसाब से। हाँ भाई, तो उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस निंजा फ्लेम को ऑर्डर करने के लिए डिटेल्स नीचे दी गई हैं। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगली वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार कीजिएगा। जब तक के लिए बिलाल ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।